Now, in this class, we will start uh, neural control and coordination and we will discuss up to neuron. So, in test, up to neuron is there in your exam, okay. क्लियर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉटनी पार्ट टू कंप्लीट हो चुका है एस पर योर एग्जामिनेशन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन so in this topic we are going to discuss about neurons nervous system so it is our uh, neuroendocrine system neuroendocrine system neuroendocrine system is equal to neuron neural system plus endocrine system एंडोक्राइन सिस्टम विच रेगुलेट अवर बॉडी फंक्शन कोऑर्डिनेट ऑल बॉडी फंक्शन ऑल बॉडी फंक्शन आपके जितने भी बॉडी फंक्शंस हो रहे हैं सपोज एट रेस्ट वॉट इज योअर हार्ट बीट ओके एट रेस्ट एंड अंडर एक्सरसाइज वॉट इज योअर हार्ट बीट सपोज इफ ए पर्सन इज डूइंग सम एक्सरसाइज मस्कुलर एक्टिविटी ड्यूरिंग दैट टाइम हिज हार्ट बीट गोज अप हार्ट बीट हाई हो जाते हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम टूगेदर कोडिनेट ऑल बॉडीली फंक्शन ठीक है न्यूरो न्यूरल सिस्टम में आपका ब्रेन आएगा स्पाइनल कॉर्ड आएंगे आपके नर्वस आएंगे और एंडोक्राइन सिस्टम में आपके हारमोन्स आएंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्लियर नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट द फर्स्ट टाइम नर्व सेल फर्स्ट टाइम नर्व सेल्स अपियर्ड इन फर्स्ट टाइम नर्व सेल अपियड इन हाइड्रा हाइड्रा में सबसे पहले नर्व सेल देखे गए

Those animals are not having any nerve cells. First time nerve cell appeared in hydra. What is hydra? It's a freshwater cylindrate. Freshwater cylindrate. And our complete nervous system. Developed from which germ layer? Nervous system developed from which germ layer? Developed from. एक्टोडर्म जर्म लेयर एक्टोडर्म से बनेगा सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेन हो स्पाइनल कॉर्ड हो ऑल दिस डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म जर्म लेयर से बना ओके हार्ट कहां से बना मीसोडर्म से नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ एक्टोडर्म से नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ह्यूमन न्यूरल सिस्टम ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम तो हमारा जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होगा उसमें होगा सीएनएस और पीएनएस वीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है जरा देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होगा स्पाइनल कॉर्ड होगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का सीएनएस व्हाट इज सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ नर्व्स टू टाइप्स ऑफ नर्व्स होते हैं इसमें एफरेंट नर्व्स इफरेंट नर्व्स एफरेंट नर्व्स वन टाइप इफरेंट नर्व सेकेंड टाइप टू डिजन्स uh, भी हैं अच्छा ये केयरफुलना जब आप बुक पढ़ेंगे तो ये लिखेगा पेरीफेरल नर्व सिस्टम कंटेन टू टाइप्स ऑफ नर्व एंड टू टाइप ऑफ डिविजन तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को दो टाइप में डिवाइड करेंगे हम टू ग्रुप्स में नर्व दो टाइप के थे पेरीफेरल में एफरेंट और इफरेंट दैट इज डिफरेंट थिंग ठीक है नहीं समझ में आया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ नर्व्स एंड टू डिविजन और वो टू डिविजन कौन से हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम टू डिजन है थोड़ा सा कैमरे को जरा हैं स्टैंड ओके टू डिविजन है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या आ रहा है देखिए टिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल यूर स्केलेटल मसल सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल स्केलेटल मसल स्केलेटल मतलब वॉलंट्री होते हैं ना वॉलंट्री होते हैं उसके लिए अलग से नर्वस सिस्टम आ रहा है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर रहे हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल इन इनवॉल्ट्री मसल्स इनवॉल्ट्री मसल्स को कंट्रोल करने के लिए ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ना वन मोर टाइम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड इन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इट्स वेरी क्लियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंटेन टू टाइप्स ऑफ नर्व एंड टू डिविजन टू टाइप ऑफ नर्व कौन से है एफर इंड नर्व ये तो क्वेश्चन है ही वॉट इज एफरेंड नर इफरेंट नर देखेंगे एंड टू डिविजन सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम वॉट इज एफर नर्व नाउ एफरेंट नर्व क्या है एफरेंट नर्स ऑल्सो कॉल्ड सेंसरी नर्स ऑल्सो कॉल्ड सेंसरी नर्व एंड दीज एफर नर्व कंडक्ट इन्फॉर्मेशन टूवर्ड्स कंडक्ट इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स सी एन एस कंडक्ट इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स सी एन एस मतलब जो भी नर्वस आपके इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ले जा रहे हैं दोज आर एफर एंड नर्व ओके फरेंट सेंसरी भी बोले एंड दो नर्व विच कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सी एन एस जो इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉड को ले जा रहे हैं एफरेंट है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं इफरेंट है वॉट इज इफर नर्वरेंट नर्व क्या है ऑल्सो कॉल्ड मोटार नर्व मोटार नर्व है ये एंड दे कैरी इंफॉर्मेशन कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम सी एन एस अवे फ्रॉम सीएनएस टू बॉडी पार्ट सीएनएस से बॉडी पार्ट को इंफॉर्मेशन ले जाने वाले इफरेंड नर्व टूवर्ड सीएनएस ले जाने वाले एफर ऑल्सो कॉल्ड सेंसरी सेंसरी, जैसे कि मैं यहां पर ड्रॉ कर दू ये ब्रेन सपोज ये ब्रेन है ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के क्या हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब ब्रेन से भी कनेक्टेड कुछ नर्व्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्टेड कुछ नर्व्स हैं, कुछ नर्व्स ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मूव हो रहे कुछ नर्व अवे जा रहे हैं जो टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जा रहे हैं एंड देर आर सम रनिंग अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफरेंट है विच आर रनिंग टूवर्ड्स सेंसरी विच आर रनिंग अवे मोटार बस ये समझना था सेंसरी मोटार क्लियर हो गया सेंसरी मोटर थोड़ा सा सेट करेंगे क्या ओके नो क्लियर सेंसरी मोटर सेंसरी क्या होंगे टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर अब कुछ नर्व कुछ नर्व है जो सेंसरी है कुछ नर्व मोटार हैं और कुछ नर्व दोनों भी हैं सेंसरी भी है मोटार भी है आ रहा समझने क्लियर अभी आप सुने होंगे क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व तो सुने होंगे आप क्रेनियल नर्व आर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन स्पाइनल नर्व आर अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल अब सुनिए यहां पर क्रेनियल नर्व क्रेनियल नर्वस कितने हैं आपके ट्वेल्व पेयर्स मतलब ट्वेल्व राइट साइड एंड ट्वेल्व लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी क्रेनियल नर्व साइड ट्वेल्व लेफ्ट साइड ये क्रेनियल नर्व हैं ट्वेल्व पेयर्स ब्रेन से निकलने वाले आपके आईज से एक नर्व जा रही है ब्रेन को ऑप्टिक नर्व आपके नोज से एक नर्व जा रही है ब्रेन को है ना अल्फेक्ट्री नर्व ईयर से भी जा रही है ऑडिटरी नर्व ऐसे हर बॉडी पार्ट से आ रहा है तो टोटल ट्वेल्व पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व कहां से निकल रहे हैं क्रेनियल नर्व्स? कहां से अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन टोटल ट्वेंटी फोर होते हैं ट्वेल्व पेयर्स बोलेंगे स्पाइनल नर्व स्पाइनल नर्व कितने थर्टी वन पेयर्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉट फ्रॉम स्पाइनल कॉट इसका मतलब यह हुआ जो मैं अभी एफरेंट फायर नर्व और इफरेंट नर्व के बारे में बोल रहा था मैं सम ऑफ़ द क्रेनियल नर्व आर एफरेंट सम ऑफ द क्रेनियल नर्व आर मोटर, ओके Some of the spinal nerves are द efferent. Some are mixed. Both activities. ठीक है तो 31 वन पेयर स्पाइनल नर्व्स हैं, 12 पेर क्रेनियल नर्व्स है और ऑल नर्व्स अगर परफेक्टली वर्क कर रहे हैं तो यार गेटिंग परफेक्ट सेंस यू कैन सी परफेक्टली यू कैन हियर परफेक्टली यू कैन टेस्ट परफेक्टली ऑल दिस सेंसेस आर बिकॉज ऑफ दीज नर्व्स ये नर्व्स की वजह से हो रहा है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व की वजह से ओके ये क्लियर हो गया एंड याद रखना क्रेनियल प्लस स्पाइनल नर्वस क्रेनियल प्लस स्पाइनल नर्व आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर इंक्लूडेड अंडर सीएनएस पीएनएस अ पी अच्छा पीएनएस में कितने टाइप के नर्व फाइबर्स पीएनएस कंटेंट टू टाइप्स ऑफ नर्व्स एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स या नर्व बोल रहे हैं हम वो एफरेंट इफरेंट एक्चुअली ये क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व अब एनसीआरटी में वो बताया नहीं वो क्यों नहीं बता सकते? नहीं बता सकते ना हम ऑल क्रेनियल कैन आई से ऑल क्रेनियल नर्व आर सेंसरी नो मैं क्या बोला सम ऑफ द क्रैनियल नर्व्स आर सेंसरी सम आर मोटर सम आर मिक्स्ड जैसे ये ब्रेन है तो कुछ नर्व्स ब्रेन से निकल रही हैं बाहर कुछ नर्व्स ब्रेन के अंदर जा रहे हैं और कुछ नर्व्स तो दोनों भी काम कर रहे हैं अब क्या करना मुश्किल है सो आई कैन नॉट से ऑल क्रैनियल नर्व्स आर सेंसरी आई कैन नॉट से ऑल क्रैनियल नर्व्स आर मोटर नहीं बोल सकता मैं

वॉल्ट्री मसल्स है ना वॉलंट्री मसल बोल सकता हूं मैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल वॉल्ट्री मसल जबकि आटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम खुद अपना डिसीजन लेने वाला ब्रेन की सुनने वाला नहीं है ये समझे ब्रेन क्या है ब्रेन क्या करता है रीजनिंग थिंकिंग प्रीवियस एक्सपीरियंस कोई भी आप क्वेश्चन पूछो ब्रेन को तब तो ब्रेन क्या करता है पहले थिंक करता है, है. है. पिछली बार ऐसा हुआ तो क्या हुआ था सपोज ए डॉग इज बार्किंग बिहाइंड आप सोच ब्रेन को बोल रहे हैं क्या करेंगे अब? तो ब्रेन सोच रहा है थिंक करेगा क्या रीजनिंग करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा फॉर्मूला लगा के तो क्या है कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं लाइफ में स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना रहता विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऐसा थिंक करते नहीं बढ़ना है वेन यू टच हॉट ऑब्जेक्ट सो यू ऑट टू विद ड्रॉ हैंड वेरी फास्ट इमीडिएटली अदरवाइज इट विल कॉज डैमेज डैमेज हो सकता है तो इसलिए हर चीज ब्रेन को नहीं पूछना है तो किसको पूछना फिर आटोना में खुद अपना अपन डिसीजन लेते रहना एटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में फिर दो टाइप के नर्व आते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिंपैथेटिक नर्व पैरा सिम्पेटिक नर्व अभी वो जो सिचुएशन था ना व्हेन डॉग इज बार्किंग बिहाइंड यू तो इमीडिएटली सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट होना चाहिए सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट हार्ट बीट फास्ट होना सर्कुलेशन फास्ट सर्कुलेशन फास्ट बोलते एनर्जी फास्ट मिलेगी आपको बहुत फास्ट एनर्जी मिलेगी, रन फास्टर, है ना? सर्कुलेशन फास्ट होना चाहिए, तो ये का काम है और बाद में सिचुएशन हैंडल हो गया तो पैरासिम्पथेटिक नर्व आके कंट्रोल कर लेते हैं तो ऐसा है ये सिंपथेटिक नर्व पैरासिंपथेटिक नर्व सिंपथेटिक नर्व को मैं इससे पहले भी बताया हूं कार्डेक एक्सेलरेटर कार्डियक हार्ट हार्टबीट बढ़ाने वाला और पैरासिपेटिक नर्व कार्डर और नर्व्स के साथ साथ हार्मोन भी काम करते हैं नर्व्स तो है ही है नर्व्स तो इन्वॉल्व है ही है और उसके साथ साथ क्या है आपके हार्मोन जैसे एड्रीनलिन हार्मोन वेन डॉग इज बार्किंग बिहाइंड यू तो सिंपोथेटिक न तो एक्टिवेट होंगे ही होंगे हार्ट बीट फास्ट होगा सर्कुलेशन फास्ट कार्डपुट मोर ब्रीथिंग मोर है ना यह सब होगा उसके साथ, -साथ adrenaline produced, which increases alertness, है ना अब वहां पर नींद नहीं आएगी आपको है ना कभी कभी नींद आ जाती है ना अलर्टनेस कम रहा तो नींद आ जाती है। अलर्ट अगर रहेंगे आपको नींद नहीं आएगी अब वहां नींद आना क्या आप देखो अभी आप, कभी कभी क्लास में नींद आ जाती होगी लेकिन वहां पे डॉग इज रनिंग बिहाइंड तो नींद आएगी क्या वहां पे वहां पे भी सो जाओ थोड़ी देर वहां पे ऐसा नहीं होता अलर्टनेस बहुत हाई पीक पे रहता कैसा बचेंगे कैसा भागेंगे तो ये है सिंपथेटिक पैरा के वर्क हैं खुद डिसीजन इसलिए नाम ऑटो सेल्फ सेल्फ डिसीजन और सारे डिसीजन सेल्फ नहीं लेना कुछ डिसीजन सेल्फ वेरी फास्ट लेना है तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को दे दिए और कुछ डिसीजन जो है सोच समझ के थिंकिंग करके प्रॉब्लम सॉल्व करके करना पड़ता वो है ना ब्रेन करेगा आपका ब्रेन करेगा अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी एग्जाम हो रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हैं आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिख रहे हैं नीट उसमें किसको दे रहे हैं वर्कअप ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को तो नहीं दे रहे जो भी डिसीजन लेना है ले ले रहे फिर तुझ ब्रेन को देना वर्क वहां पे ब्रेन थिंक करना रीजनिंग करना सॉल्व करना प्रीवियस एक्सपीरियंस देखना ओके okay? ये सारे चीजें अब न्यू एनसीआर में एक और पैराग्राफ एड हुआ है कहा है बुक है न्यू में विसरल नर्वस सिस्टम बोल के आया है एक विसरल नर्वस सिस्टम इज आल्सो द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम

विसरा मतलब इंटरनल बॉडी मास है ये इंटरनल बॉडी मास जो भी स्टमक है इंटेस्टाइन है लिवर है इंटरनल बॉडी मास है देखो हैंड्स और लेग्स की तो बात समझ नहीं आ रही है स्केलेटल मसल्स है इनके लिए सोमैटिक न्यूरल सिस्टम काफी है करेक्ट अब विसरा विसरा को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए तो इंटरनल बॉडी मास्क को बोलते हैं विसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन विसरा को जाएगा विसरा से इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाएगा दिस इज कॉल्ड क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे विसरल नर्वस सिस्टम विसरल नर्वस सिस्टम इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ पीएनएस एन मतलब पीएनएस में बहुत कुछ आ गया सब चीज पीएनएस में डाल दिए हम सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड छोड़ के हर चीज पीएनएस में आ गई करेक्ट है सोमैटिक नर्वरल न्यूरल सिस्टम भी वहीं जा गया विसरल न्यूरल सिस्टम भी वहीं जा गया ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम भी वहीं जा गया अब विसरल नर्वस सिस्टम ये न्यू पैराग्राफ ऐड हुआ है फिर भी एनसीईआरटी में यही लिखा है पीएनएस डिवाइडेड इनटू टू डिवीजंस वो भी लिखा है ओके okay? बुक के साथ ही रही हमेशा दिस इज कॉल्ड विसरल नर्वस सिस्टम इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पी और इसमें क्या होता है तो इट इंक्लूड नर्व्स हैं, गैंगलिया हैं, प्लेक्सस हैं ओके okay. तो नर्व्स क्या है ठीक है नर्व्स मतलब न्यूरॉन है गैंग्लिया मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं कई बच्चे पूछेंगे शायद अब गैंग्लिया क्या होगा ये गैंग्लिया मतलब ग्रुप ऑफ नर्व्स नॉट वन नर्व बहुत सारे नर्व आएंगे तो गैंग्लिया <coughs> क्या है नेटवर्क ऑफ स्मॉल कैपिलरीज कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर छोटे बहुत ही हेयर लाइक वेरी थिन हेयर से भी थिन नर्व अगर नर्व हैं तो बोलेंगे प्लेक्सेस बोलेंगे नेटवर्क ऑफ स्मॉल कैपलरीज लाइक स्ट्रक्चर प्लेक्स ठीक है तो क्या क्या था नर्वस सिस्टम में समझ नहीं आ गया बोलो नर्वस सिस्टम में क्या क्या है बोलिए एक बार फ्लो चार्ट और देख लेंगे नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू सीएनएस पीएनएस सिर्फ पीएनएस में प्रॉब्लम है पीएनएस में दो टाइप के नर्वस हैं टू डिविजन हैं अब यहाँ दो डिवीज़न में क्या कर रहा है ना फर्स्ट पैराग्राफ में एनसीआरटी में सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम लिख के फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में एक नया पैराग्राफ ऐड किया है एनसीआरटी में विसरल न्यूरल सिस्टम इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ पीएनएस बोल रहा है ओके okay, बुक के साथ ही रहेंगे ठीक है बुक के साथ ही रहेंगे और ये टू डिविजन बोला है न्यूरल सिस्टम ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम बच्चे बोलेंगे सर थ्री डिवीजन बोलो ना ठीक है थ्री डिविजन बोलेंगे तो so, लेकिन ये माइनर है बहुत विसरल न्यूरल सिस्टम इज माइनर वन मेजर वन सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ठीक है चलो अब हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की तरफ आएंगे न्यूरॉन वॉट आर न्यूरोन एक्साइटेबल सेल्स हैविंग कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी है न्यूरोन कैसे होते हैं एक्साइटेबल सेल्स होते हैं एंड दे हैव कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी मीन दे कंडक्ट इंफॉर्मेशन एंड अलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स अलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स ट्रावेलिंग थ्रो क्या बोल रहे हैं उनको ट्रावलिंग थ्रो yes. क्या बोलेंगे इंपल्सिस बोलेंगे इंपल्स बोलेंगे ठीक है चलो सिंगुलर इंपल्स इंपल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स हैं ये इलेक्ट्रिकल नेचर में और केमिकल नेचर दोनों में पाए जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स हैं ये ट्रैवलिंग थ्रू न्यूरॉन इंपल्स एक्साइटेबल सेल्स है कंडक्टिविटी है कंडक्टिविटी मीन दे कंडक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरोन टू अनदर न्यूरोन ठीक है हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम कंटेन न्यूरोन एंड न्यूरोगिलियल सेल्स न्यूरोन और न्यूरोगिलियल सेल्स होता है कई बच्चे तो बस इतना ही याद रखते हैं नर्वस सिस्टम मेडअप ऑफ न्यूरॉन न्यूरोगिलियल सेल को छोड़ देते हैं इसलिए याद रखना है तो न्यूरॉन और न्यूरोगिलियल सेल में क्या डिफरेंस है न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल हमेशा एक्साइटेड स्टेटमेंट्स में रहने वाले कुछ ना कुछ करने ही वाले न्यूरॉन और न्यूरोगिलियल सेल मतलब ये सपोर्टिंग प्रोटेक्टिंग सेल्स से हैं न्यूरोगिलियल सेल्स आर न्यूरोगिलियल सेल्स क्या हैं? आर सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग सेल्स प्रोटेक्टिंग सेल्स टू द न्यूरॉन, टू द न्यूरॉन, एंड दे आर नॉन एक्साइटेबल एंड दे आर नॉन एक्साइटेबल ठीक है एक्साइटेबल कौन न्यूरॉन, नॉन एक्साइटेबल कौन न्यूरोगिलियल सेल ऑफ़ कोर्स ब्रेन में न्यूरोगिलियल सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट दे आर नॉट कंडक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन बट दे आर सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग न्यूरोन ठीक है तो ये याद रखो अभी हम न्यूरॉन के टाइप्स देखेंगे कितने टाइप में न्यूरॉन मिलता है हमें जस्ट न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कंडक्शन जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स वगैरह नेक्स्ट मॉडल में पढ़ना है न्यूरॉन के थ्री टाइप्स हैं देखिए <coughs> एक टाइप तो होगा यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलार न्यूरॉन, मल्टीपोलार न्यूरॉन बोल के मल्टीपोलार न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन मीन द न्यूरॉन विच इज हैविंग सेल बॉडी एंड वन प्रोसेस एक सेल बॉडी होगा वन सेल बॉडी एंड वन प्रोसेस एक ही प्रोसेस एक ही प्रोसेस डेंड्राइड एक्सॉन भी बिवे एक ही प्रोसेस फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज अच्छा एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा ये फर्स्ट जो एम्ब्रियो बनेगा ना फर्स्ट यूनिपोलर न्यूरॉन डेवलप्स विच इज हैविंग वन सेल बॉडी एंड वन ओनली वन डेंड्राइट और एक्सॉन वही डेंड्राइट है वही एक्सॉन इसलिए क्या बोल रहा हूं मैं प्रोसेस प्रोसेस मीन आउटग्रोथ ग्रोथ न्यूरॉन न्यूरोन द न्यूरॉन विच इज हैविंग वन सेल बॉडी एंड टू प्रोसेस वन सेल बॉडी हा टू प्रोसेस टू प्रोसेस हैं इन विच वन डेंड्राइट वन एक्सॉन एक डेंड्राइट एक एक्सॉन एक डेंड्राइट है एक एक्सॉन है समझ लो अभी आप बोलेंगे सर डेंड्राइट क्या है एक्सॉन क्या है मालूम हो जाएगा थोड़ी देर एग्जाम्पल रेटिना ऑफ आइज में मिलेंगे रेटीना ऑफ आइज व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिला आपको यूनिपोलर न्यूरोन बाईपोलर न्यूरोन आर प्रेजेंट इन रेटिना रेटिना मोस्ट लेयर, ओके, और मल्टीपोलर न्यूरॉन मतलब एक सेल बॉडी एक एक्सॉन मेनी 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 डेन वन सेल बॉडी वन एग्जॉन मेनी dendrites डेंड्राइट बोलते ये शॉर्ट ब्रांचेस अभी मैं डिटेल में जाऊंगा तो मालूम हो जाएगा आपको शॉर्ट ब्रांचेस को डेंड्राइट बोल रहा हूं मैं लॉन्ग ब्रांच को एक्सॉन बोल रहा हूं शॉर्ट ब्रांचेस आर कॉल्ड डेंड्राइट लॉन्ग ब्रांच इज कॉल्ड एक्सॉन एंड वेर इट इज प्रेजेंट फाउंड इन सरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का जो आउटर एरिया होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स कॉरटेक्सर मल्टीपोलर न्यूरॉन है उसमें अब क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ दिस थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन विच इज मोस्ट कॉमन मल्टीपोलर न्यूरॉन मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन कॉमन टाइप यूनिपोलर न्यूरॉन आपको जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा बाईपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ आईज में मिलेगा एंड मोस्ट कॉमनली आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन मिलने वाला है एक सेल बॉडी एक exon, और मेनी डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में डेंड्राइट क्या करता होगा एक्सॉन क्या करता होगा सेल बॉडी क्या करता होगा है ना सो मेनी क्वेश्चन तो वो सब डिस्कस करेंगे हम न्यूरोन के थ्री टाइप क्लियर लोकेशन याद रख लो यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज में बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ आइज में मल्टीपोलर न्यूरॉन सरिब्रल कॉर्टेक्स में ब्रेन के आउटर रीजन को हम सरिब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे नेक्स्ट अब मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है तो डेफिनेटली मल्टीपोलर न्यूरॉन ही पढ़ेंगे हम डिटेल में मल्टीपोलर न्यूरॉन स्टार्ट करें इफ इट ड्रॉ ए न्यूरोन एक न्यूरॉन कैसे होता है मल्टीपोलर ओके, दिस इज वन न्यूरॉन कुछ लेबलिंग कर देंगे देखो सबसे पहले जो राउंड बॉडी है न्यूरॉन में दैट राउंड बॉडी इज कॉल्ड सेल बॉडी बोल रहा हूं मैं इसको अल्सो कॉल्ड साइटॉन कॉल्ड पेरिकैरियॉन सो मेनी नेम्स सेल बॉडी बोलो साइट बोलो पेरी बोलो एंड विद इन द सेल बॉडी देर आर सो मैनी डॉट्स सो मैनी डॉट्स एंड दीज डॉट्स आर कॉल्ड क्या बोलते हैं नीसल ग्रैन्यूल्स बोलेंगे क्या बोले नीसल ग्रैन्यूल्स क्या होता है बोल तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिकुलम आर आर राइबोसोम होते हैं उसमें ठीक है देखो मसल्स में क्या थे मसल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था उसको बोले हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूरॉन में भी आ रहे हैं रेटिकुलम लेकिन उनको नाम दूसरा दे रहे हैं हम रेटिकुलम नीसल ना न्यूरॉन्स में नर्वस सिस्टम में जो आ रहे हैं नीसल ग्रेन्यूल्स बोल रहे है। अब जो डेंड्राइट के जो डेंड्राइट क्या है ये शॉर्ट ब्रांचेस हैं शॉर्ट ब्रांचेस ऑफ द सेल बॉडी आर कॉल्ड डेंड्राइट्स अच्छा डेंड्राइट का काम क्या होता होगा वेदर डेंड्राइट कंडक्ट इंफॉर्मेशन टू द सेल बॉडी और अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मतलब डेंड्राइट जो है ना इंफॉर्मेशन हमेशा सेल बॉडी को देता है डेंड्राइट इज एफरेंट एफरेंट फाइबर एफरेंट फाइबर है ये एफरेंट ब्रांचेस बोल सकते हैं एफरेंट फाइबर बोल सकते हैं ठीक है विच कंडक्ट इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स सेल बॉडी और उसके बाद सेल बॉडी के बाद एक लॉन्ग ब्रांच आ रहा है व्हाट इज दिस लॉन्ग ब्रांच एक्सॉन और एक्सॉन होगा मालूम ई फरेंट ई फॉर इफरेंट एग्जिट एक्जिट मतलब अंदर जाने के लिए एफरेंट बाहर आने के लिए इरेंट इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंपल्स फर्स्ट आर रिसीव्ड बाय डेंड्राइट एंड दोज इंपल्सेस आर गिवन टू सेल बॉडी and from cell body information are given to exon and exon comes here and here this is the exon terminal here exon ends exon terminal upon the exon terminal. There are some round bodies. These are called synaptic knobs synaptic knobs bullying <coughs> and round bodies synaptic knobs. ठीक है एंड अबाउ द एक्सॉन अराउंड द एक्सॉन देर आर सेल्स और ये सेल को हम क्या बोलते हैं पता है दी सेल्स सेल्स आर कॉल्ड क्या बोलते हैं स्वान सेल्स ये न्यूक्लियस नहीं है क्या है स्वान सेल है ये सेल है आप बोलेंगे न्यू ये न्यूरॉन एक सेल है या बहुत सारे सेल है न्यूरॉन मैं अलग से ड्रॉ किया अब स्वान सेल ड्रॉ कर रहा हूं मैं सो मेनी स्वान सेल एंड स्वान सेल्स आर न्यूरोगिलियल सेल्स स्वान सेल्स आर न्यूरोगिलियल सेल स्वान टाइप ऑफ न्यूरोगिलियल सेल दे आर नॉट एक्साइटेबल बट दे आर प्रोटेक्टिंग एंड सपोर्टिंग न्यूरोन अब आया समझने तो ये स्वान सेल के ऊपर माइलिन शीत आ गई है देखिए फैट का कवर होता है माइलिन शीत दिस इज माइलिन शीत व्हाट इज माइलिन शीत बोल तो फैटी कवर है <coughs> फैटी कवर अराउंड द एक्सॉन फैटी कवर इट इज कॉल्ड माइलिन शीत एंड इन बिटवीन माइलिन शीत है ना माइलिन शीत इज अ डिसकंटिन्यूअस लेयर कंटिन्यूअस नहीं है माइलिन शीत इज डिसकंटिन्यूअस हियर एंड देयर सम गैप्स आर देयर गैप दिख रहे हैं आपको एंड दोज गैप्स आर कॉल्ड क्या बोलेंगे गैप्स को नोड ऑफ रैनवियर व्हाट इज नोड ऑफ रैनवियर ब्रैकेट में लिख देंगे गैप्स बिटवीन माइलिनशीत इसका मतलब माइलिनशीत कंटिन्यूअस लेयर नहीं है माइलिन शीत कंटिन्यूअस नहीं है छोटा छोटा गैप आ रहा है बीच में एंड दोज गैप्स आर कॉल्ड नोड ऑफ एंड ओके सो हाउ द इंफॉर्मेशन इज ट्रैवलिंग थ्रू द न्यूरोन इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग थ्रू द न्यूरोन कैसे ट्रैवल होगा लिखेंगे ये डायग्राम तो कंप्लीट हो चुका है कंप्लीटेड तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे फर्स्ट पॉइंट नीजल ग्रेन्यूल्स कहां मिलेगा आपको एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नीजल ग्रेन्यूल नीजल ग्रैन्यूल्स आर आर ई आर रफ रेटिकुलम फाउंड इन सेल बॉडी में भी मिलेंगे डेंड्राइट्स में भी मिलेंगे याद रखना डेंड्राइट्स में भी मिलेंगे <coughs> हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस का कर रहे हैं ये नीसल ग्रेन्यूल कंडक्शन कैसे हो रहा है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स कैसे हो रहा है जरा देखो पहले डेंड्राइट को इंपल्स मिलेगा फर्स्ट इंपल्स कम इनटू डेंड्राइट एंड दिस डेंड्राइट गिव इंपल्स टू सेल बॉडी एंड सेल बॉडी गिव इंफॉर्मेशन टू एग्जॉन एग्जॉन से एग्जॉन टर्मिनल एग्जॉन टर्मिनल से सिनेप्टिक नॉब सिनेप्टिक नॉब से क्या सीनेप गैप बिटवीन द टू न्यूरोन और सीनेप से होगा नेक्स्ट डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। मतलब मैं ये बताया आपको इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल कर रहा है थ्रू न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन को जब इम्पल्स मिल जाता है डेंड्राइट पे तो डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन सेल बॉडी में जाएगा फिर एक्सॉन में फिर एक्सॉन टर्मिनल में फिर स्नेप टिकटॉप फिर एक गैप वॉट इज स्नेप गैप बिटवीन टू न्यूरोन्स टू न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप आएगा दैट इज कॉल्ड सिनेप्स। और सिनेप्स के बाद फिर डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन है वो ओके और क्या लिखेंगे हम सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या है तो इसका मतलब क्या हुआ डेंड्राइट इज एफरेंट इज एफरेंट ब्रांच एफरेंट मींस इट ब्रिंग इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स सेल बॉडी एफरेंट ब्रांच और एक्सॉन को क्या बोलू मैं इफरेंट ब्रांच बोलूंगा और क्या आना चाहिए देखिए यहां पे न्यूरॉन्स कवर्ड विथ माइलिन शीत कवर्ड विथ माइलिन शीत अगर माइलिन शीत है तो क्या बोलेंगे सच न्यूरॉन्स माइलिनेटेड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलेंगे इनको अगर माइलिन शीत है अगर न्यूरॉन के ऊपर कवर आ रहा है माइलिन शीत आ रहा है माइलिन शीत अगर प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड बोलिए एग्जाम्पल फॉर माइलिनेटेड न्यूरॉन देखिए क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व है माइलिनेटेड न्यूरोन अगर माइलिन शीत नहीं है तो क्या बोलेंगे स न्यूरोन नॉट कवर्ड विथ माइलिन शीत नॉट कवर्ड विथ माइलिन शीत अगर मैलिन शीत नहीं है तो क्या बोलेंगे अनमाइलीनेटेड न्यूरोन बोलेंगे अन माइलिनेटेड न्यूरोन बोलेंगे एग्जाम्पल ऑटोनॉमिक न्यूरोल सिस्टम ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बस क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में है माइलिन शीत बाकी में नहीं है ऐसे याद रख लो सारे चीजें क्लियर जब एक न्यूरॉन हम ड्रॉ करते हैं दिस इज वन न्यूरॉन, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन, तो दोनों न्यूरॉन के बीच में जो गैप होगा क्या बोलेंगे सिनेप्स बोलेंगे सिनेप्स, सिनेप्स बोलेंगे सिनेप्सिस भी नहीं बोलेंगे सिनॉप्सिस भी नहीं बोलेंगे ना सिनेप्सिस भी नहीं बोल सकते अगर मैं एक यस यहाँ पे आई लगा के यस सिनेप्सिस हो गया ये गलत मीनिंग गलत हो जाता ये है यह अगर यहां पे ओ लिखा तो मैं तो भी गलत सिनेप्सिस हो जाता ये सिनेप्स है समझे गैप बिटवीन टू न्यूरॉन सिनेप्स एंड ऑलवेज ट्रैवलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूनिडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल वो कैसे हमेशा डायरेक्शन ऐसे ही होना चाहिए ऐसे तो नहीं जा नहीं सकता ऐसे ऊपर जा सकता क्या इंफॉर्मेशन नहीं तो डेंड्राइट से ही सेल बॉडी में आना फिर एग्जॉन में आना फिर सिनेप्टिक नॉब आना फिर सिनेप्स फिर डेंड्राइट दैट मीन्स इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग इज यूनिडायरेक्शनल समझ गए यस yes. एंड वन मोर थिंग न्यूरॉन के ऊपर अगर माइलिन शीत है तो माइलिनेटेड इफ माइलिन शीत इज प्रेजेंट माइलिनेटेड इफ माइलिन शीत इज अनमाइलिनेटेड देन हु इज प्रोड्यूसिंग दिस माइलिन शीत एंड वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस माइलिन शीत न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीत बोल के कवर आ रहा है फैट का कवर ठीक है माइलिन शीत

अगर आप जानना चाहते हैं व्हाट इज ऑलिगोडेंड्रोसाइड यू कैन राइट न्यूरोगिलियल सेल और एक बात खास बात सुनो बोथ माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड बोथ माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कंटेनस ऑन सेल कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्या करेगा अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर हैविंग माइलीटेड सेल तो बच्चे यस नॉट हैविंग माइलिन सी तो है नहीं गलत माइलिन सीत तो दोनों में है बहुत माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कंटेन स्वान सेल लेकिन स्वान सेल ऑफ ओनली माइलीटेड न्यूर आर प्रोड्यूसिंग्रोसाइड स्वान सेल नहीं बना सकता माइलीटेड में भी स्वान्न सेल है अन मैलिनेटेड भी स्वास्थ सेल है तो माइलिनशीत क्यों नहीं बना रहा अन माइलीटेड में तो मैं क्या बोलूंगा स्वान सेल एंड ऑलिगोडेंड्रोसाइड प्रोड्यूस माइलिन बात क्लियर है क्या और एक बार समझाऊ क्लियर है ना स्वान सेल तो दोनों तरफ है स्वान सेल तो दोनों तरफ यहां पर भी कुछ स्वान सेल है अब एक न्यूरोन देखो कैसा दिखेगा यहां पे माइलिन शीत नहीं है डेंड्राइट्स हैं ये अनमाइलिनेटेड हो गया एंड दिस इज माइलिनेटेड हो गया इन माइलिनेटेड न्यूरॉन स्वान सेल प्रोड्यूस माइलिन शीत अलांग विथ ऑलिगोडेंड्रोसाइड्स बट इन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन स्वान सेल इज प्रेजेंट बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग

द टिप ऑफ एक्सॉन टर्मिनल क्या बोल रहा था मैं उनको एक्सॉन टर्मिनल आर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब्स क्या बोलेंगे सिनेप्टिक नॉब्स बोलेंगे विच कंटेन क्या है इनके अंदर विच कंटेन सिनेप्टिक वेजिकल सिनेप्टिक वेजिकल्स हैं सिनेप्टिक नॉब्स के अंदर सिनेप्टिक वेजिकल्स हैं और सिनेप्टिक वेजिकल के अंदर क्या है विच कंटेन विच कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर होता है उसके अंदर केमिकल होता है ठीक है मतलब एक्जॉन से क्या लगा हुआ है एक्सॉन के ऊपर एक्जोन टर्मिनल है और एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर सिनेप्टिक नॉब है है ना और सिनेप्टिक नॉब के अंदर इनसाइड सिनेप्टिक नॉब क्या है इनसाइड सिनेप्टिक नॉब सिनेप्टिक वेजिकल है और सिनेप्टिक वेजिकल के अंदर क्या है बोलो केमिकल है न्यूरो ट्रांसमीटर अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर है ना टाइम टू टाइम अलग अलग बनते रहता सपोज यू आर इन वेरी हैप्पी मूड तब न्यूरो वर्क अलॉट करे ये काम करो सपोज यू आर मदर अलॉटिंग सम वर्क तो अलग ही न्यूरो ट्रांसमीटर बनता वहां पे समझ गए तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से yes. आप चॉकलेट खा रहे हैं सपोज आप तो डेफिनेटली खुशी होगी ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे नॉर्मली अगर नहीं भी रहे चॉकलेट खाने के बाद एक्साइटेड क्यों उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं चॉकलेट में जो हैप्पी मूड वाले न्यूरो रिलीज कराते हैं न्यूरोन से इसलिए पर्सन एडिक्ट हो जाता है ओके हैप्पी मूड वाले तो जैसे कि एंडोरफिन डोपामाइन डोपामाइन क्या है वो बहुत ही हैप्पी मूड जैसे कि रिजल्ट आ गया है मेडिकल सीट लग चुकी है, है ना सीट मिल गई है और जो रिजल्ट देखने के बाद जो खुशी है वैसा जो है फीलिंग चॉकलेट खाने के बाद भी आ सकता है ओके एंडोरफिन प्रोड्यूस है ना बस यही खुशी आपको मिल सकती है कि वेन यू, वेन मदर इज गिविंग सम वर्क यही रिजल्ट वाली खुशी आ सकती है कि सेम, वो भी मोमेंट था ये भी मोमेंट है है ना वो भी एक सिचुएशन था रिजल्ट आ गया वहां पर भी आपको कुछ मालूम हुआ और यहाँ पे मदर आपको कुछ वर्क बोल रहे हैं ये भी खुशी होना चाहिए ना लेकिन ऐसा हो रहा है नहीं इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर में छे गड़बड़ और न्यूरो ट्रांसमीटर दो अलग अलग टाइप के हैं एक्साइटेटरी इनहिबिटरी कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर जो केमिकल होता है न्यूरो ट्रांसमीटर दो टाइप की है एक्साइटेटरी एक है इनहिबिटरी एक है एक्साइटेटरी में देखो नॉर्मल टाइम में एसिटाइल कोलिन है एक्साइटेटरी वो नॉर्मलीन भी आता है adrenaline, आप सर adrenaline तो है एज वेल एज हार्मोन प्लेइंग एज हार्मोन रोल एड्रीनलिन डोपामाइन डोपामाइन और इनहिबिटरी वाला न्यूरो ट्रांसमीटर गावा एक्चुअली जब मदर आपके वर्क देते हैं आपको तो दैट मोमेंट जो है यू मेक अ डिसीजन वेदर आई एम द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड टू डू दिस वर्क तो बिकॉज ऑफ दैट जो है आपके बॉडी में ये हार्मोन रिलीज होता है न्यूरो ट्रांसमिटर गाबा तो ये गाबा जो है क्या है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड यामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ये आपको इनहिबिट कर देगा सपोज मदर जो है बोले ब्रिंग दैट स्पून फ्रॉम द किचन तो आप गए किचन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेड अ मेडिसन वाई आलवेज अलॉटिंग टू मी ओनली तो यू मेड अ डिसीजन नॉट टू डू दिस वर्क फर्स्ट यू मेड द फर्स्ट डिसीजन इज लास्ट डिसीजन अब आप किचन में जाएंगे ढूंढेंगे नहीं मिलेगा वो स्पून है ना फिर मदर आएंगे फिर मदर जो है आपको एक सेकंड में वो बता देंगे दिस ऑल बिकॉज़ ऑफ़ गाबा दैट्स टेक फर्स्ट डिसीजन बेटर डिसीजन आलवेज टेक फर्स्ट डिसीजन बेटर डिसीजन है ना अगर आप फर्स्ट डिसीजन लेंगे यस दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इजी बोले तो डेफिनेटली इजी होने वाला है वो वा. और चार लोगों को बोले भी हम ये चैप्टर बहुत हार्ड है दोनों तो भी <laughs> गाबा ही बनाएंगे वो लोग भी गाबा ही प्रोड्यूस करेंगे yes, definitely, chapter is very difficult. Definitely, हमेशा ऐसा चल रहा है हमारे पास जो है न्यूरो ट्रांसमीटर दो टाइप के रिलीज हो रहे हैं एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसफोर्ट दो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हाँ लेकिन ये डोपामाइन वाला जो है ऐसा नॉर्मल डेस नहीं निकलता चाहिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग इवेंट रहना दैट टाइम डोपामाइन इज रिस्ट सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग इवेंट रहना बहुत बड़े बड़े बहुत हैप्पी मूड जैसे रिजल्ट वाला दिन हमारा डोपा <laughs> है ओके okay. ये माइंड आएगा जल्दी आएगा ठीक है इसको मत आने दो गाबा को क्योंकि मैं बोला ना फर्स्ट डिसीजन लास्ट डिसीजन इफ यू सेड दिस चैप्टर इज हार्ड बोलता हूँ डेफिनेटली हार्ड है मजाक में नहीं है मजाक में नहीं बोला मैं रियल में ऐसा होने वाला है डिसीजन के ये इनिबिटरी करना है इनिबिट करना है न्यूरोन okay, का स्ट्रक्चर तक आपको पूरा रिवाइज कर लेना है क्लियर पूरा फिफ्थ मॉड्यूल पे टेस्ट रहेगा प्लस एक न्यूरोन आपके मॉड्यूल में नहीं है न्यूरोन आप पढ़ना है ठीक है यहाँ तक पढ़ना है और रहा वहां पे बॉटनी में सीलिया फ्लैजिलाल तक पढ़ लेना है और बाकी का पूरी फिफ्थ मॉड्यूल है प्लान किंगडम जिम्नोसपम से ही स्टार्ट है और कुछ पूछना है ठीक है और वो जो ट्रैक जो रिवीजन वाला ट्रैक है वो वी, वो ट्रैक भी जो है ये वीक का ऐड कर लेना है वो भी बता चुका हूं मैं सो so नेक्स्ट जो है ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जाम ग्राम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ जस्ट लाइक फाइनल टेस्ट एंड मेक सम गुड न्यूरो वो ही कंट्रोल करने वाले हैं आप सबको तो यस yes. नहीं वो नहीं है सेक्शुअल रिपोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो नहीं दिया मैं कहाँ तक दिया बोला मैं बायो कंट्रोल बयो फर्टिलाइजर इम्यूनिटी up to autoimmunity. Thank you.